पूर्वी भारत का बादशाह शमशेर बड़ा ही डरपोक और कायर था, जिसके कारण उसकी सल्तनत पर आए दिन हमले हुआ करते थे और उसकी आधी सल्तनत पर दूसरी सल्तनतों द्वारा राज कर लिया गया था। शमशेर की पहली बेगम रजिया उसकी इस कायरता से बेहद चिंतित रहती थी, लेकिन कुछ कह नहीं पाती थी। कुछ समय बाद एक दिन, बादशाह, दूसरे शहर के बादशाह का दावतनामा आया है। हमारे जाने का बंदोबस्त किया जाए। जी हुजूर। बादशाह के कहे अनुसार उनके जाने की तैयारी की जाती है और महाराज उस दावत में जाते हैं। वहाँ दावत के दौरान उन्हें एक लड़की पसंद आ जाती है, वो उसे निहारते ही रह जाते हैं। उसके बाद उनसे वजीर कहते हैं, हुजूर, आपकी नजरें किसे तलाश रही हैं? वजीर, आप बिल्कुल दुरुस्त समझे हैं। मुझे वो लड़की बहुत खूबसूरत लगी। आप उसके बारे में खोजबीन करें, वो कौन है, और उनसे हमारे निकाह की बात चलाएं। जो आपका हुक्म हुजूर, हम अभी मालूमात करते हैं। बादशाह अपनी सल्तनत की तरफ निकल जाते हैं और वजीर उस लड़की के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर लेता है और अगले दिन सल्तनत जाकर उन्हें सारी बातें बता देते हैं। तब महाराज कहते हैं, वजीर, बिना देर किए निकाह की तैयारी कीजिए। बादशाह, आप ये क्या करने जा रहे हैं? आप अपने सल्तनत का विकास और सुरक्षा के बारे में छोड़कर अपने निकाह की तैयारी कर रहे हैं? आप हमें किसी काम के लिए मजबूर नहीं कर सकती, आपको अपना हक मिलेगा। रजिया बेगम रोते हुए अपने कमरे में चली जाती हैं और फिर बादशाह के निकाह की तैयारी शुरू हो जाती है। अगले दिन निकाह करके बादशाह बेगम जमीला को ले आते हैं। उन्हें देखकर रजिया बेगम मन ही मन बहुत गुस्सा हो जाती हैं, लेकिन बादशाह के आदेश अनुसार उन्हें उनका स्वागत करना पड़ता है। रजिया बेगम, आप वहाँ क्यों खड़ी हैं? अपनी बहन का खुशामदीद कीजिए और राजमहल में ले जाइए। कुछ नहीं बादशाह, मैं अपनी बहन की सुंदरता देख रही हूँ, जिसके आप कायल हो गए हैं। हाँ रजिया बेगम, ये तो आपने दुरुस्त फरमाया, इनकी खूबसूरती से कोई भी घायल हो जाए। फिर रजिया बेगम दूसरी बेगम का बड़े ही सम्मान के साथ खुशामदीद करती हैं और उन्हें सल्तनत दिखाती हैं। उसके बाद जमीला बेगम सल्तनत के नौकरों को अपने मायके से लाया हुआ सामान लाकर रखने का आदेश देती है। वजीर जी, आप ध्यान पूर्वक मेरे अब्बू के सल्तनत से आए मेरे अब्बू की निशानी को, जादुई कुर्सी को मेरे कमरे में रखवा दीजिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी हुजूर, मैं हिफाजत से रखवा दूंगा। वजीर बेगम के आदेश अनुसार सारे सामान को राजमहल में रखवा देता है और जादुई कुर्सी को बेगम के कक्ष में लगवाने का आदेश देता है। एक नौकरानी उस जादुई कुर्सी का राज पता लगाने की सोचती है। महारानी, आप अपने साथ बड़े ही अनोखी सौगात लेकर आई हैं। इस कुर्सी की क्या कहानी है जिसे आप जादुई कुर्सी कह रही हैं? ये हमारे अब्बू जान की दी हुई शाही कुर्सी है, इससे जो भी मांगो वो सब पूरा होता है, लेकिन मांगने वाला इंसान बेहद ईमानदार और नेक दिल होना चाहिए। क्या आप सच कह रही हैं बेगम? मैंने तो आज तक ऐसी कोई कुर्सी देखी ही नहीं। क्या आपने इससे कुछ मांगा है? हाँ, मैं बहुत कुछ मांग चुकी हूँ और सब कुछ मिला है। जैसे बादशाह को ही देख लीजिए, ये भी जादुई कुर्सी का कमाल है। नौकरानी ये बात पूरी सल्तनत में फैला देती है। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और फिर सल्तनत के कुछ लोग उस कुर्सी को चुराने की तरकीब लगाने लगते हैं। उधर दूसरी सल्तनत द्वारा सल्तनत पर आक्रमण होने की सूचना मिलती है, जिससे सल्तनत में अफरा तफरी मच जाती है। तभी जमीला बेगम अपने कमरे में जाकर अपने कमरे का दरवाजा बंद करती है और कुछ देर बैठ जाती है। फिर उसके बाद बाहर आती है और लोगों से कहती है कि सिपाहियों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग चिंतित और परेशान ना हो, ये युद्ध हम लोग ही जीतेंगे। ये मेरी जादुई कुर्सी का कहना है, लेकिन आप लोगों को पूरी हिम्मत, जोश और मेहनत से ये युद्ध करना होगा। बैठे रहने से हमें जीत हासिल नहीं होगी।
मल्लिका ने जो जो आदेश दिए हैं उस पर तामील किया जाए और जंग की तैयारी शुरू की जाए। रानी के आदेश देने पर युद्ध की तैयारी शुरू की जाती है और कुछ वक्त बाद युद्ध प्रारंभ हो जाता है। कुछ दिन युद्ध करने के बाद बेगम की बताई हुई बात सत्य साबित हो जाती है। शमशेर के सल्तनत की जीत हो जाती है। फिर पूरे सल्तनत में जीत का जश्न मनाया जाता है और उसके बाद बादशाह जमीला रानी से मोहब्बत करने लगते हैं, जिससे रजिया बेगम को बेहद जलन होने लगती है। वो उस कुर्सी को चुराने और तोड़ने की योजना बनाने लगती है। फिर वो जमीला के कमरे में जाती है और कुर्सी, तू ही मेरी जिंदगी में जहर घोलने वाली है ना? अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तुझे बर्बाद करके रहूंगी, जैसे तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। तेरी वजह से बादशाह मुझे एक नजर तक नहीं देखते। बेगम, आप ये क्या कह रही हैं? मुझे मत तोड़िए, मैंने आपकी जिंदगी में कोई जहर नहीं घोला है। नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तू ही मेरी बर्बादी की वजह है। रजिया कुर्सी तोड़ देती है और फिर कुर्सी बोलती है, आप खुद अपने अवगुणों में परिवर्तित करके विकसित नहीं होती हैं। आपकी सल्तनत और आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। तुम ये क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना कहने के बाद अचानक अलमारी के पीछे से जमीला बाहर आती है और कहती है, दीदी इस कुर्सी में कोई जादू नहीं है, ये सब तो मैं बस लोगों का हौसला और हिम्मत बढ़ाने के लिए कहती थी। ये सब झूठी बातें ना बनाओ, मैं जानती हूँ इस कुर्सी में जादू है, जिसका इस्तेमाल तुम बादशाह की मोहब्बत के लिए करती हो। ठीक है बेगम, अगर आपको यही लगता है तो ठीक है, लेकिन आपने अभी इसे तोड़ दिया है ना? अब देखिए कैसे वो सब होता है जो पहले हो चुका है। लेकिन आप ये कुर्सी तोड़ने वाली बात किसी से मत बताइएगा। जमीला बेगम के कहे अनुसार रजिया बेगम कुर्सी टूटने की बात किसी से नहीं कहती है। फिर जादुई कुर्सी का नाम लेकर जमीला बेगम सल्तनत के सिपाहियों और वजीरों और नाविकों से बहुत सारे काम करवा लेती है, जिसमें वो जीत जाते हैं। और इससे रजिया बेगम मान जाती है कि जादू किसी चीज में नहीं होता, बल्कि हमारे काम तो हमारे आत्मविश्वास के जादू से बनते हैं।